नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में हम लाडवा विधानसभा क्षेत्र की कहानी को जानेंगे। दोस्तों, कुरुक्षेत्र जिले की जो लाडवा विधानसभा सीट है, ये 2008 का जो परिसमन हुआ था तब बनी थी और केवल 3 चुनावों का इसका इतिहास है। बहुत छोटा सा इतिहास आप इसको कह सकते हैं। 2009 में यहाँ पहला चुनाव होता है और इन लोगों के शेर सिंह बड़सामी जी कांग्रेस की कैलाश सैनी को पराजित करके विधायक बनते हैं। भाजपा के मेवा सिंह तीसरे नंबर पर रहते हैं और निर्दलीय पवन गर्ग चौथे नंबर पर और बसपा की शशि सैनी सम्मानजनक वोट हासिल करके 5वें नंबर पर रहती हैं। साल 2014 में डॉक्टर पवन सैनी जी ने लाडवा में कमल खिला दिया और उन्होंने इनेलो प्रत्याशी बच्चन को और बड़सामी जी को पराजित किया। कांग्रेस की कैलाश सैनी तीसरे नंबर पर रही। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के मेवा सिंह जी ने भाजपा के डॉक्टर पवन सैनी को हराकर घर बैठा दिया और इनेलो की सपना बड़सामी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। तो ये 3 ही चुनाव का इतिहास लाडवा का है, लेकिन तीनों चुनाव बहुत रोमांचक हुए हैं। अब साल 2024 सामने है, लाडवा हल्का किस पार्टी के पक्ष में अपना मत सुनाएगा, अपना जनमत सुनाएगा, कौन यहाँ से विधायक बन सकता है 2024 में, आप अपने अनुमान जरूर कमेंट में लिखेंगे। दोस्तों, आपके कमेंट लिखने से पता लगता है कि वहाँ किसकी हवाएं बह रही हैं, इसलिए कमेंट लिखने में कंजूसी मत बरता करें। 3 बजे मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।